अवध क्षेत्र के जानकार वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। तो सर आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर, और जरा समझाइए कि अब जिस तरीके से मौका लग रहा है, माहौल बदल रहा है, कैसी सिचुएशन आप देख पा रहे हैं सबकी? देखिए, गोविंदनगर एक शहरी सीट है और कानपुर एक बहुत पुराना इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है और उत्तर प्रदेश का इसको मैनचेस्टर भी कहा जाता रहा है, क्योंकि वहाँ पे कपड़े की और मिले ज्यादा थी, वुलन की मिले वहाँ पे काफी थी। और शुरुआती के दौर में जब अंग्रेजों ने यहाँ मिले लगाई थी, उसमें कानपुर में यहाँ के शहर का अपना एक अलग मिजाज है। यहाँ पे गोविंदनगर में खासतौर पे जैसे ब्राह्मणों की काफी संख्या है इस विधानसभा में, और जीत हार वो तय करते हैं, लेकिन जो अन्य जातियों के वोट हैं, अगर जाति जो, चूंकि उत्तर प्रदेश में इस समय ब्राह्मणों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने ब्राह्मणों की बात सबसे पहले की, लेकिन जो बाकी जातियां हैं और जो जो वोटर हैं, उनका भी मतदान उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जितनी ब्राह्मणों की संख्या है उसके बरक्स बाकी जातियों की संख्या उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ही है, तो उनका भी वोट उतना ही महत्वपूर्ण है। और साथ में जो सत्ता के साथ जो चुनाव के समय एक फ्लोटिंग वोट होता है जो चीजों को बदलता है, खासतौर पर शहरी जो विधानसभा सीटें होती हैं उसमें ये ट्रेंड काफी ज्यादा होता है। अगर लोग सरकार से खुश हैं तो अलग पैटर्न होगा वोट करने का, नाराज हैं तो अलग पैटर्न होगा, फिर जाति मायने नहीं रखती है। ठीक है, चूंकि कानपुर एक ऐसा शहर है जहां बीजेपी और आरएसएस, चूंकि शहरी इलाकों में हिंदुत्ववादी जो संगठन है उनके काम काफी बेहतर होते हैं और उनकी एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, और उसी के बरक्स दूसरी समुदाय के भी गतिविधियां उतनी ही होती थी, एक तरीके से प्रतियोगिता की स्थिति रहती। बिल्कुल। तो कानपुर लंबे समय से बीजेपी के साथ है, मुरली मनोहर जोशी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल, और यही बात आकर के अटकती है सर कि सत्ता का पत्ता क्या है यहाँ पर, वो भी हम आपसे जानेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन अब भी बारी है उन मुद्दों की जो कि विधानसभा चुनाव के कानपुर नगर सीट की, गोविंदनगर सीट की अपनी एक अलग पहचान बनाती है। देखिए, इस नगर सीट का पहला बड़ा मुद्दा है पेयजल और सीवेज की समस्या, जिसके दूर ना होने पर लोगों में नाराजगी है। दूसरा बड़ा मुद्दा है सड़कें खस्ता हाल है, हादसे को दावत देती दिखाई देती है। तो तीसरा बड़ा मुद्दा ट्रैफिक जैम है, यहाँ पर फंसने के बाद लोग परेशानी दिखाई देते हैं। तो वही कानपुर की गोविंद नगर सीट पर मौजूदा भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी का दावा यह है कि विधायक बनने के बाद कम से कम उन्होंने तो इलाके की मांगों का पूरा ध्यान रखा है, जो लंबे अरसे से जो मांगे की जा रही थी। वही उपचुनाव में कांग्रेस से दूसरे नंबर पर रही करिश्मा ठाकुर की माने तो विधायक जी के काम में सिर्फ दावे दिखते हैं, काम नहीं दिखता है। तो मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में मात्र इस 10 महीने के जो कालखंड मुझको प्राप्त हुआ, उसमें भी मैंने अपने संवैधानिक अधिकार का पूरा प्रयोग किया, अपने सदन का और विधायकी का पूरा लाभ जनहित में लगाने का मैंने प्रयास करते हुए, तो हमारी विधानसभा क्षेत्र में 25 साल पहले से जो पनकी की आज तक कभी सड़क नहीं बनी थी उसको मैंने RCC बनवाया। हमारी विधानसभा क्षेत्र में 15 वर्षों से मसवानपुर वाली सड़क नहीं बनी थी, दो विभागों के बीच पेज फंसा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी की कृपा से मैंने दोनों विभागों के पेज को निकाल करके और 28 करोड़ में, जिसको लोग कह रहे थे 300 करोड़ 400 करोड़ का काम है और ये हो ही नहीं सकता, मैंने उस सारे मिथक को तोड़ा और मैंने 28 करोड़ में उसको हस्तांतरित कराया। सवा साल मुझे लगा, उस कोरोना के कालखंड में भी मैं लगा रहा। राजापुरबा, लोहारन भट्टा, विवेकानंद बस्ती, इन सभी बस्तियों में सीवर की समस्या है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हम सब जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं गटर रोगों के घर के आगे है, मच्छर घूम रहे हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, और ये लोग आर्थिक तौर पे भी इतना मजबूत नहीं है कि अपने बच्चों का इलाज अच्छी जगह करा पाएं। इस मुद्दे पर भी भाजपा पूरी तरह विफल रही।